गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कमबैक। गाइस कैसे हैं आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ हर दिन कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिले। और मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और मेरा फर्स्ट चैनल जो है वो लर्निंग टू ड्राइव है, और ये सेकंड चैनल कार नॉलेज बाय राहुल। अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से। सो गाइस मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया, मुस्कुराइए, लखनऊ में आप आगे से लेफ्ट जाना है। क्या नाम है आपका? ओके, कौन सा डेज है आज आपका? सेवन डेज। ओके, तो अभी क्लच दबा के सेकंड गियर कर लीजिए, क्योंकि आगे से मैं लेफ्ट टर्न करना, राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आइए, इसको न्यूट्रल, हाँ हल्का लेफ्ट ला के पीछे डाउन करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या गजब का गियर लगाती है मैडम। देखो सेकंड गियर ऐसा लगाया कि पता भी नहीं चला मुझे कब इन्होंने गियर डाल दिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे आ जाते हैं कि इतना अच्छा चलाते हैं कि मतलब लगता ही नहीं है कि इससे पहले आपने कभी कार चलाई थी। नहीं चलाई है। गुड, अब राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहेगा और इधर लेफ्ट से निकालना है हमें, ये जो लेफ्ट वाला है टर्न, यहाँ से हमें जाना है हरदोई रोड पे। धीरे धीरे चलते रहो, गाड़ी को रोकना नहीं है, और लेफ्ट वाले साइड मिरर पे बार बार आपको नज़र डालनी, क्योंकि खतरा किधर से, लेफ्ट से। टर्निंग पे राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? ब्रेक पे, क्योंकि एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है। जब भी हम कार को टर्न करते हैं, टर्न करते टाइम अगर कोई ब्लाइंड टर्न है या कोई नैरो कट है जहाँ पे मतलब कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे हम कार को कौन से गियर में टर्न करेंगे? फर्स्ट या सेकेंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में नहीं। गाड़ी अपनी लेफ्ट ही रखना है, ज़्यादा राइट नहीं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं रायबरेली रोड पे, जा रहे हैं सीधा रायबरेली, और आज ही मैडम सीख जाएंगी। जितने डेज इनके बच्चे हैं, सीधा जाना, 150 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर आना, सही रहेगा ना? हाँ। बढ़ाइए स्पीड, हल्का सा रेस करिए, हल्का सा। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के थर्ड गियर सेंटर में, मिडिल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गियर तो आपने बहुत अच्छा डाला, बट राइट वाला हाथ जो था ना वो 12 o'clock पे नहीं आया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप गियर डालिए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि राइट वाला जो आपका हैंड है वो प्रॉपर 12 o'clock पे आना चाहिए। आप वहाँ पे भी लगा सकती, बट क्या है ना, जो स्टीयरिंग है लहरा जाती, इसकी हैबिट डालनी है आपको, आदत बनानी है, ठीक है। अभी आप कौन से गियर में हैं? थर्ड गियर। अगर थर्ड गियर में हमको अचानक कार रोकनी पड़ेगी तो क्या हम गियर चेंज करेंगे या क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी रोक लेंगे, बताइए? क्लच लेके देन ब्रेक। अब जैसे अभी आपकी कार की स्पीड क्या है? 20। थर्ड गियर की स्पीड कितने से स्टार्ट होती है? 30 to 40। अभी आप 40 तक जाइए तो बताता हूँ मैं, चलो। और गाड़ी अपनी लेफ्ट में ही रखिएगा ताकि राइट साइड से जो भी आए उसको दिक्कत ना हो। अभी आप 40 पहुँच गई, अब आपका आपको करना क्या है, जैसे सपोज करो अभी आपको गाड़ी रोकनी है तो पहले ब्रेक से स्पीड कम करो, ब्रेक से स्पीड कम करो फटाफट। अब पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लो, पूरा क्लच दबाओ, फुल गुड। अब आपने ये क्या किया, पहले समझ लेना मेरी बात को, कभी भी अगर पूरा क्लच दबा के रखना, कभी भी अगर हम 40 प्लस चल रहे हैं, 30 प्लस चल रहे हैं, तो अगर हमको कार को रोकनी है तो पहले हम ब्रेक दबा के गाड़ी की स्पीड कम करेंगे। स्पीड कितनी कम करेंगे? 10 तक आ जाएगी, उसके बाद आप क्लच दबा के, मतलब गाड़ी रुकते रुकते एकदम से बंद नहीं होती है, जैसे आप 40 की स्पीड पे थे तो वो धीरे धीरे आके तब बंद होगी। तो पहले ब्रेक से आपको स्पीड कम कर लेनी, फिर क्लच दबा लेना है, मतलब गाड़ी खड़ी होने से पहले आपका क्लच दब जाना चाहिए। ये होता है रोकने का तरीका। अगर अभी आप फर्स्ट गियर में चल रही होती या सेकंड गियर में, तो पहले आपको क्लच दबाना होता, फिर ब्रेक लेना होता, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी की स्पीड पहले से ही कम थी। तो अगर आप पहले ब्रेक ले लेती तो इंजन यहाँ पर झटके मार के बंद हो जाता, बुझ जाता। अभी आप कौन से गियर में हैं? अब कौन सा गियर डालना है आपको, तो डालिए फिर, गुड। अब गाड़ी आपको बढ़ानी है, झटके से आपने क्लच छोड़ा इसलिए इंजन बुझ गया, कोई बात नहीं, वन मोर ट्राई, पूरा क्लच दबा के इंजन ऑन करो, गुड। अभी आपको हाफ क्लच छोड़ना, फुल नहीं, एडी जो आपकी नीचे रुकी रहनी चाहिए, और टो को धीरे धीरे छोड़ना, और उतना छोड़ना है जितने में गाड़ी मूव करने लगे, बाकी होल्ड करके रखो, फुल क्लच रिलीज़ नहीं करना है, थोड़ा सा और हल्का सा, बस इससे ज़्यादा नहीं। वेरी गुड, जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 4 5 करके, इसी तरीके से हमको क्लच को भी रिलीज़ करना होता। मान लो हमने 3 के बाद 6 छोड़ कर दिया तो फिर वो झटके से बंद हो जाएगी। अभी स्पीड मेंटेन करो, हल्का सा रेस करो, जाओ और थोड़ा सा। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट, 12 o'clock पे फिर हाथ आपका नहीं आया, नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो दिक्कत कहाँ पर आती है,
जब हम चीज़ों को याद रखते हैं तो हम उसको फटाफट कर लेते हैं, जब याद नहीं होता तो हमको करना क्या होता है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है। इसमें अगर आप सोचते रह जाओगे तो उतने में तो काम हो लेगा, सेकेंडों का पूरा खेल होता है। ठीक है, अभी आप कौन से गियर में हैं? सेकेंड। तो थर्ड गियर के लिए कितनी स्पीड चाहिए? 30। तो 30 के लिए क्या करेंगी आप? एक्सीलेटर लेंगी। पहले एक्सीलेटर लेके स्पीड मेंटेन करिए, अब जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना। ठीक है, अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, राइट वाला हाथ 12 क्लॉक पे लाओ। हाँ, अब क्लच दबाओ पूरा फुल, इसको सेंटर में ऊपर, वेरी गुड, छोड़ दो। देखो गाड़ी लहराई जरा सा भी, 1% भी गाड़ी लहराई नहीं। पैटर्न टू पैटर्न करना है, पहले आपको स्पीड मेंटेन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं 20 की स्पीड पे थर्ड गियर डाल देते हैं। अब किसी की कैपेसिटी 50 kg है, उस पर रख दिया आपने 100 kg, तो क्या पॉसिबल है? हो सकता है थोड़ी देर तक वो मेंटेन कर ले जाए, 1-2 सेकंड तक, उसके बाद तो दबी जाएगा वो। तो इसी तरीके से हर गियर की स्पीड होती है। जैसे वेट करते हैं ना किसी चीज़ का, वजन 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 kg, 2 kg, उसी तरीके से गियर का भी एक सिचुएशन है, कैपेसिटी होती है। तो अगर हम सेकेंड की जगह फोर्थ डाल देंगे तो पॉसिबल नहीं है, वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। अभी स्पीड बढ़ाओ, फिर आपको वन टाइम वही वन मोर इमरजेंसी ब्रेक मारना, जैसे मैंने बताया था। सपोज करो अभी आप 40 की स्पीड में चल रही हैं और आपको कार रोकनी, तो पहले ब्रेक से स्पीड कम करेंगी। ब्रेक से स्पीड कम करो, हाँ, फटाफट, और पूरा क्लच दबा के धीरे से ब्रेक ले लो, फुल क्लच दबा के। गाड़ी हमेशा साइड में रोकी जाती है, आपने देखो कहाँ पे रोकी, इधर देखो, ये देखो, ये बीचों बीच रोड में गाड़ी है आपकी, देख रहे हो, गाड़ी हमेशा लेफ्ट ला के रोका जाता है। अभी इसको न्यूट्रल करो, अब पहला गियर, अब आपको पहले क्या छोड़ना है? ब्रेक। और क्लच कितना छोड़ना है? हाफ क्लच, सिर्फ हाफ। जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे बस आप उतने पे क्लच को होल्ड कर देना, ना उसको दबाना ना उसको रिलीज करना। और चाहे तो हल्का सा एक्सेलेटर भी मार सकते हो आप उसके साथ, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। और गाड़ी कभी भी ऐसे बीचों बीच रोड पे मत रोकना, वरना पीछे ट्रक व्रक आ जाएगा तो उड़ा देगा। ठीक है, अब आपने जब टर्न किया तो इसमें मिरर को चेक किया था? नहीं किया, क्यों? ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कार चलाना बहुत आसान है, आप दौड़ा सकते हो। अभी आप यमुना एक्सप्रेस पे आपको जाना हो तो सीधा आगरा पहुंच जाओगी आप, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ बार बार आपको गियर ही नहीं बदलना है। वन टाइम गियर 50 डाल दिया, उसके बाद सीधा आगरा जाके रुकना है। लेकिन कार को बार बार रोकना बढ़ाना, रोकना बढ़ाना, ये सारी चीज़ें। अभी सेकेंड गियर करिए आप क्लच दबा के, टर्निंग, हाँ कोई बात नहीं, चलो चेंज करो, घबराओ मत। अब आप डर गई पहले से, आपने टर्निंग का हवा बना लिया, गियर चेंज किया, फिर राइट वाला हाथ आपका 12 क्लॉक पे नहीं आया। अब आप एक काम करिए, क्या नाम बताया था आपने? एमन। आप एक नोट्स बनाइए, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि जब चीज़ों को आप समझेंगी और उसके बाद करेंगी तो वो चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसमें सिर्फ याद करना है, अगर हम इसको याद कर लेंगे तो उसके बाद तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें। अभी जैसे मैं कई बार आपको नहीं टोकता हूं तो आप वो चीज़ नहीं करती हैं, जब मैं बोलता हूं तो करती हैं। 15 दिन बाद आपको कौन बोलेगा? या तो आपको मुझे गोद लेना पड़ेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि लेफ़्ट रखो राइट रखो, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलो स्पीड बढ़ाओ, जाने दो, गुड, और रेस करो थोड़ा। और हाँ, अब 12 क्लॉक पे स्टीयरिंग को पकड़ो और राइट वाला पैर ब्रेक पे क्लच दबा के सेंटर में थर्ड गियर, फटाफट, जल्दी से, हाँ, वेरी गुड। 2 सेकंड का खेल होता है, अगर ज़्यादा देर तक आप क्लच को दबा के रखेंगे तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम क्लच दबा लेते हैं तो इंजन फ्री हो जाता है, तो उसके बाद स्पीड कम पता लगा आपने, 5-6-10 सेकंड तक क्लच दबा के रखा, स्पीड आ गई 20 की और गियर डालना था थर्ड, तो थर्ड गियर की स्पीड होती 30+, तो उसके बाद आप गियर तो कभी भी लगा सकते हो, लेकिन जैसे क्लच छोड़ोगे गाड़ी वाइब्रेट करके इंजन बुझ जाएगा, तो ये गलती नहीं करनी है। अगर फास्ट स्पीड में आप चल रहे हो तो पहले ब्रेक से स्पीड कम करोगे, फिर क्लच दबा के पूरा ब्रेक ले लोगे, जिससे कि गाड़ी इंजन भी फ्री हो जाएगा और गाड़ी कंट्रोल भी हो जाएगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जब भी गाड़ी आप रोकोगे तो लेफ्ट वाला मिरर राइट वाला मिरर चेक करके तब रोकोगे, कभी भी बीच रोड पे गाड़ी को नहीं रोकोगे। अगर बीच रोड पे रोकोगे पीछे वाला भिड़ा देगा, फिर क्या करोगे भाई? रोड बीचों बीच रोड पे थोड़ी रोका जाता, वहाँ पे आपने बहुत गलत रोका था। इसको हॉर्न देके अलर्ट करो, नज़र डाल के दोनों साइड राइट रखो, टेढ़ी हो गई गाड़ी। हाँ, अभी इस गोल चक्कर से वापस आपको यू टर्न मारना, ये मेरे सेंटर से 10 किलोमीटर है वन साइड, अभी चलते रहो, बताऊंगा। आगे स्पीड ब्रेकर हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड गियर कर लेना, चलते रहो, अभी जाने दो धीरे धीरे। हाँ, अब आपको क्या करना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाना है, हाँ, पूरा क्लच दबाओ फुल, इसको न्यूट्रल करके सेकंड गियर, गुड। सेकंड उल्टा एल बनाना होता है, अगर थर्ड से आप सेकंड में आते हो तो उल्टा एल बनाना, और सेकंड से थर्ड में जाते हो तो भी। अब गोल चक्कर से राइट जाना है, तो अभी आप राइट का सिग्नल दीजिए नीचे को और गोल चक्कर को पूरा राउंड करना है। ठीक है, ये राइट हैंड पर IIM कॉलेज है,
राइट दबाओ धीरे धीरे। हाँ, यहाँ स्पीड की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे टर्न करना है आपको। अगर आप स्पीड के चक्कर में रहेंगे तो गाड़ी आपकी हो सकता है डिवाइडर में टकरा जाए या ज़्यादा ओवर स्पीड हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा राइट काटोगे तो राइट वाला हिस्सा आपका टकरा जाएगा। और टर्न करते टाइम लेफ्ट वाले मिरर में ज़रूर आपको चेक करना है। गुड। अब आप जब लेफ्ट धीरे धीरे लेके आओगे तो लेफ्ट का सिग्नल भी दोगे क्योंकि ये हाईवे वगैरह है ना, ये बाईपास हरदोई, तो इस पर काफ़ी, अब सीधा जाना है हमें, जाने दो, सीधा सिग्नल बंद करो। गुड, चलो जाने दो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो गाइस, आपने देखा एमन जी ने काफ़ी अच्छा चलाया 7 डेज के हिसाब से। राइट रखो, अब कहाँ क्या चाह रही हो, इसको भिड़ाओगी? अरे तो ट्रक कहाँ जा रहा है, ट्रक में आपकी कार के बीच में पता इतना डिस्टेंस है 10 फीट का। ये देखो, ये भी लर्निंग टू ड्राइव ही है। राइट रखो, जाने दो, देखो धीरे धीरे, ये देखो। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो रेस करो, चलते रहो धीरे धीरे। गुड, अभी इंजन क्या कह रहा है? गियर चेंज करने को। चलो तो राइट वाला पैर ब्रेक पे, 12 क्लॉक पे हाथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? चलो गुड, बहुत बढ़िया। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। कुछ कहो, कहना चाहोगी? आपका थैंक्स करना है। अच्छा चलो, अभी देखो साइकिल वाले को बचाओ वरना वो मेरा थैंक्स करेगा। वो थैंक्स करेगा, कहेगा भैया क्या करा रहे हो। चलो दोस्तों, बाय बाय। सुबह उठने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं दोस्तों। मैं 4 बजे उठता हूँ, आप लोग भी उठा करो, ठीक है? और हम तो डूबेंगे, बाकी लोगों को भी ले डूबेंगे क्योंकि हम सुबह 6 बजे सभी को बुला लेते हैं 5 बजे। और जो लोग सुबह उठते नहीं है ना, वो कहते हैं भैया मुझे कोई दोपहर का टाइम दे दो, शाम का टाइम दे दो। लेकिन हम उनको सुबह, जो लोग ज़्यादा लेट उठते हैं उनको सबसे सुबह का बैच देते हैं। ये मजाक था दोस्तों।